हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। आज हम करने जा रहे हैं वन प्लस के ईयरफोन्स मैंने मंगवाए थे अमेज़ॉन की साइट से, जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं वन प्लस जेड वायरलेस ईयरफोन्स। आज मैं बताऊंगी कि क्या क्या अनबॉक्सिंग करेंगे हम इसके बिल्कुल सही से, कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके, कैसे दिखने में कैसे हैं, और बिल्कुल ट्रू रिव्यू मैं आपको देने जा रही हूँ। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा करते हैं वन प्लस जेड वायरलेस ईयरफोन्स का रिव्यू। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है पैकेट, तो अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था। एस्टिमेट डिलीवरी का टाइम था नियर अबाउट मंडे को ही आने थे, बट मैक्सिमम मंडे को पहुंच जाते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि आई थिंक लॉकडाउन की वजह से थोड़े से डिले हो गए, एक दिन मेरे पास लेट पहुँचे। तो अगर आपके पास भी ये लेट अवेलेबल हो तो मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर आप ऑर्डर करें तो एक दो दिन एस्टिमेट डिलीवरी में लेट हो सकता है। तो आइए चलते हैं सीधा अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसा कि आप ये पैकेट देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये वन प्लस के ईयरफोन्स हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। इन्होंने ये ईयरफोन्स लॉन्च किए थे वन प्लस 8 की सीरीज़ के साथ, और प्राइस इसका 1999 है, और अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह ये अवेलेबल है। तो अगर आपके पास ये पैकेट आता है, इसको सबसे पहले तो देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो पता नहीं जब ये ट्रांसपोर्ट में आता है तो क्या पता हो सकता है कि कोरोना साथ लेके आए, कुछ कह नहीं सकते। तो आप इसको अच्छे से वॉश कीजिएगा बाहर से, प्लास्टिक का रैपर है, आपके ईयरफोन ख़राब भी नहीं होंगे, तो आप इसको अच्छे से वॉश कीजिएगा, या फिर इसको दो दिन कहीं साइड पर रख दीजिए। और मैं भी दो दिन के बाद ही रिव्यू कर रही हूँ, दो दिन साइड पे रख दीजिए ताकि, और या तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से एक सैनिटाइज़र लेके इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो आइए अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है पैकेट, देखिए ये पैकेट आने में नियर अबाउट 4 to 5 days लगे, तो मैं खोलने जा रही हूँ ये पैकेट। पैकेट में मुझे जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स आया है, बॉक्स काफ़ी ब्यूटीफुल है। साथ में आप ये बिल मिला है मुझे, जिसमें इसकी इसका प्राइस है 1999, और जैसा कि मुझे 1999 का ही पड़ा क्योंकि कोई भी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं था इसमें। ये ब्यूटीफुल सा बॉक्स है, ये देखिए, ये इसका फ्रंट है, दिस इज़ बैक। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका पढ़ के बता देती हूँ कि पहला फीचर इसमें यह है कि रैप चार्ज है, 10 मिनट्स ऑफ चार्जिंग गिव्स यू 10 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम। मतलब ये कह रहा है कि 10 मिनट आप इसे चार्ज करिए और आपको 10 घंटे का जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग बैटरी लाइफ, फुल चार्ज गिव्स 20 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम। मतलब इसकी बैटरी बैकअप के लिए ये बहुत अच्छा है, आप 20 आवर्स इसे कॉन्टीन्यूस यूज़ कर सकते हैं अगर आप फुल बैटरी कर ले तो। मैग्नेटिक कंट्रोल है, सिंपली क्लिप द बुलेट्स टुगेदर मैग्नेटिकली टू टर्न देम ऑफ, टू सेपरेट देम टू टर्न ऑफ। जैसा कि इनका कहना यह है कि जब ये बुलेट्स ईयरफोन अटैच रहेंगे तो ये ऑफ रहेंगे, जैसे ही आप इनको अलग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। रेनफोर्स स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस डिज़ाइन फॉर स्पोर्ट्स, वाटर प्रूफ है ये, जैसे जो बंदे फिटनेस के टाइम पे इसे यूज़ करें या स्पोर्ट्स के टाइम पे यूज़ करें, तो स्वेटिंग से कई बारी क्या होता है कि ईयरफोन्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेटर है। क्विक स्विच, डबल प्रेस टू स्विच बिटवीन टू रिसेंटली पेयर्ड डिवाइसेस, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है लो लेटेंसी मोड, अल्ट्रा लो लेटेंसी व्हेन गेमिंग ओनली फॉर वन प्लस फैंटास्टिक मोड। मतलब ये इन्होंने एक मोड दिया हुआ है स्पेशली जो गेमर्स होते हैं उनके लिए, राइट। और देखो अब है इसका एग्जैक्टली नेम है वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड, जो कि ब्लैक कलर में अवेलेबल है। जी आपको बता दूं कि इसमें 4 कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, इट्स वाइट, बॉटल ग्रीन, देन ब्लैक एंड ब्लू। जैसा कि बट एक पिक्चर में थे वो पिंक कलर के थे, बेबी पिंक कलर था उसका, मुझे बहुत पसंद आए थे बट वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अभी जो है वो मैक्सिमम आपको ब्लैक जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका MRP लिखा हुआ है 2190।
मतलब ये अगर आप शॉप पे लेने जाओगे 2190 का है, बट आपको ये ऑनलाइन 1999 का पड़ता है, जो काफ़ी अच्छी डील है। तो आइए अब खोलते हैं इसे। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ OnePlus 7T, सो मैंने पहले सोचा कि आपके पास बेटर ऑप्शंस है, लाइक नॉइस है, बोट के ईयरफोन्स है, बट वाई नॉट कि अगर आपने OnePlus बाय किया है तो OnePlus के ईयरफोन्स ही हों। देखिए जैसे ये इसका बॉक्स है, जब आप इसको स्लाइड करते हैं तो डायरेक्ट आपको ये देखने को मिलता है। ये पैकिंग इसकी काफ़ी ब्यूटीफुल लगी मुझे, जो कि काफ़ी अच्छी थी। इस पे आपको दिखाई देता है कि ये राइट का है, ये लेफ्ट का है, ठीक है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, लाइक एग्जैक्टली ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो अब आइए इसे खोलते हैं। जब आप इसे खोलेंगे तो ये आपको मिलेगा, यूज़र गाइड है, ये एसेसरी है। इसमें क्या है हम देख लेते हैं। इसमें आपको एबल मिलेगी जो चार्जिंग के लिए है। ये देखिए, वैसे अगर आपका चार्जर गलती से ख़राब हो जाए तो आप उसमें भी लगा सकते हैं ये, तो आपको बेनिफिट रहेगा। और लाइक सी टाइप, ये सी टाइप है, ठीक है। फिर एसेसरीज़ में आपको ये बर्ड्स मिले हैं। इसको हम देखते हैं कि कितने एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ बर्ड्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे बर्ड्स या तो ख़राब हो जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं। तो बर्ड्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो ये हैं इट्स 2 पेयर ऑफ बर्ड्स जो कि आपको इसमें मिल रहे हैं। ये देखिए, ये 2 पेयर्स ऑफ बर्ड्स हैं। सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए 1 पेयर एंड इट्स 1 पेयर, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं। एसेसरीज़ वाले बॉक्स में आपको और क्या मिल रहा है, काफ़ी टाइट पैकिंग है इसकी। इसको ओपन कर लेते हैं हम। जैसे कि आपको पूरा गाइडलाइंस दिया गया है इसका, आपको ये एक एसेसरीज बॉक्स में मिलेगा। और क्या एक्स्ट्रा है एसेसरी बॉक्स में, ओहो, आपको एक और गाइडलाइन का चिट्ठा जो है वो दिया गया है इसमें, हो जाएगा। अंदर की पैकिंग ये है। पहले मुझे लगा कि लाइक इसके अंदर कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गया, बट द थिंग इज़ कि जब हमने ओपन किया था, मैंने आपको ये दिखाया, इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये ईयरफोन्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैकिंग इनकी कितनी ब्यूटीफुल है। और इसका प्राइस है 1999, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है कि अगर आपको वायरलेस ईयरफोन बाय करने हैं, लेटेस्ट है, और ये काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन देगा बाकी उनको, बाकी ईयरफोन्स को। तो आइए मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। काफ़ी डेलिकेट हैं ये, ये ईयरफोन का एग्जैक्टली साइज़ है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। दीज आर द ईयरफोन्स। और लाइक हम मैग्नेटिक टेस्ट करते हैं कि जो इन्होंने कहा था कि जैसे ही हम इसे प्लेस करेंगे तो ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है। ये देखिए, दिस इज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो कि इन्होंने दिया था, और एक्चुअल में ये है, राइट। और देन यहाँ से ये देखिए ऑन ऑफ का ऑप्शन है। इधर से ही आप इसका चार्जिंग करने का, इसका जो है वो पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पावर बटन है प्लस माइनस का, जिससे आप वॉल्यूम को प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं ये देखिए, लाइक दीज आर द ईयरफोन्स जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब बात रही इसकी क्वालिटी, मुझे अच्छी लग रही है, बट द थिंग इज़ कि अभी देखिए, इन्होंने जो मेन चीज़ जो है वो अगर इसमें जो दी है वो है कि 10 मिनट चार्ज करने से ये 10 घंटे तक चलता है। ये सबसे ज़्यादा
चलने वाले ईयरफोन्स हो सकते हैं अगर ये एक्चुअल में है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली वायरलेस ईयरफोन्स लें तो वो 5 घंटे 6 घंटे में मैक्सिमम ओवर हो जाते हैं। अगर आप गेमर हैं या कुछ ऐसा है तो वो भी आपको पता ही है कि ओवर जल्दी हो जाती है बैटरी उसकी, तो बहुत दिक्कत होती है। तो 10 मिनट चार्जिंग के आप लगा दो नॉर्मली, अगर ये 10 घंटे चलता है तो वो बहुत ही अच्छे हैं देखने में, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये बिल्कुल पास से एग्जैक्टली सीधा ईयरफोन्स, ये देखिए इनकी पूरी लुक, ये देखिए। और ये काफ़ी अच्छे हैं, स्लिम है, इजी वेयर आप कर सकते हो। अगर हम इसे वेयर करें लाइक दिस इज़ द राइट स्लॉट और ये लेफ्ट है, तो लाइक ईयर में भी ये इतने ज़्यादा चुभ नहीं रहे, मतलब ये चुभने वाले नहीं हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं इसके जो ईयरबड्स हैं। और अगर इनकेस आपके ईयरबड्स गुम हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा ईयरबड्स इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं। तो ये था प्रॉपर अनबॉक्सिंग वन प्लस का। तो अब मैं इसकी क्वालिटी तो आपको नहीं बता सकती अभी, क्योंकि मैंने अभी यूज़ नहीं किया, अभी आपके सामने मैंने इसे अनबॉक्स किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये एक्चुअल में कितना बैकअप है, क्या ये सच में 10 घंटे में 10 आवर्स चलता है या नहीं चलता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को, सो दैट कि आगे की फर्दर वीडियोज़ आप तक एज सुन एज़ पॉसिबल पहुँच सके। और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ नया आपके लिए मैं लेके आती रहूँ। सो एट द एंड क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और जल्दी से जल्दी कोरोना से फाइट कीजिए। और आई होप कि हम ये जंग कोरोना के साथ जो चल रही है वो जल्दी जीत जाएंगे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर।